बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की कहानी पढ़ेंगे और उम्मीद है आप सबको ये बहुत अच्छी लगेगी। ये कहानी लिखी है शुएब सत्तार ने। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मिट्टी और पत्थर के बुत की इबादत करना शिर्क है, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। हज़ारों साल पहले एक मुल्क के लोग मिट्टी के बुत बनाते थे और इन मिट्टी के बुतों की इबादत करते थे। वो लोग बहुत सरकश और नाफरमान थे। इन लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ बुलाया, इन लोगों को बताया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की इबादत करनी चाहिए। मिट्टी और पत्थर के बुतों की इबादत मत करो। आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि अल्लाह से डरो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सच्ची और अच्छी बातों को उन लोगों ने नहीं माना और वो अपने बुरे काम करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी मेहनत से अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बात बताते तो काफिर लोग अपने कानों में उंगलियाँ डाल लेते। आप अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते। अल्लाह के नबी का मर्तबा और मकाम बहुत ऊंचा है, अल्लाह ताला के यहाँ इनकी बड़ी इज़्ज़त है। मगर काफिर ये बात नहीं समझते, नहीं मानते। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अल्लाह का नबी हूँ, लोग बदतमीज़ी करते और जवाब देते तुम तो हमारे जैसे बशर हो। कभी कहते हमें तुम में कोई बुजुर्गी नज़र नहीं आती। कभी काफिर कहते कि अगर तुमने दीन की दावत ना छोड़ी तो हम तुमको पत्थर मारेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक काफिरों को दीन की दावत देते रहे। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े से लोग मुसलमान होते गए। अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम को गैब की बातें बताता है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को गैब की खबर दी। इस तरह आप अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया जितने लोग मुसलमान हो गए इनके अलावा अब कोई और काफर मुसलमान नहीं होगा। काफरों ने गरीब मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। वो मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ पहुंचाते और जुल्म करते और अल्लाह ताला की इबादत करने से मना करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के सिखाए हुए इल्मे ग़ैब से मालूम था कि इन काफरों की अगर कोई औलाद हुई तो वो भी काफर होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, इन काफरों की औलाद भी हुई तो वो भी काफर होगी, ये लोगों को गुमराह करते हैं। ए अल्लाह, ज़मीन को इन काफरों से पाक कर दे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने कई साल की मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती बना ली। पहाड़ जैसी बड़ी कश्ती की लंबाई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि उस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम जानदारों के जोड़े उस कश्ती में आ सकते थे। कश्ती की तीन मंजिलें थीं। एक मंजिल इंसानों के लिए थी, एक मंजिल परिंदों और एक मंजिल जानवरों के लिए थी। अल्लाह ताला के सिखाए हुए इल्मे ग़ैब से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम था कि काफरों पर अल्लाह का अज़ाब बहुत बड़े तूफ़ान की शक्ल में आएगा और तूफ़ान शुरू होने से पहले तंदूर से पानी उबलेगा।
ये देखें कश्ती, इसमें इसकी 3 मंजिलें हैं। जैसा कि पहली मंजिल बताया गया इंसानों के लिए, दूसरी मंजिल परिंदों के लिए, और एक मंजिल जो थी वो जानवरों के लिए इस कश्ती में बनाई गई थी। फिर एक दिन तंदूर से पानी उबलना शुरू हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला का नाम लेकर कश्ती पर सवार होने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने एक एक जोड़ा तमाम परिंदों और जानदारों में से कश्ती पर सवार किया ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे। आसमान पर हर तरफ बादल आ गए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। काफिर लोग जो अल्लाह के नबी पर हंसते थे, अब बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर चीज़ पानी में डूबने लगी। पानी तमाम चीज़ों को बहा कर ले जा रहा था। जान बचाने के लिए काफिर लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए, लेकिन पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तो अल्लाह का अजाब था, ऊपर से बारिश के साथ साथ ज़मीन से भी पानी निकल रहा था। तेज़ हवाओं और तूफान से घर टूट गए। काफिर पहाड़ों पर चढ़ गए, लेकिन पहाड़ भी पानी में डूब गए। आज अल्लाह के नबी की कश्ती वालों के अलावा कोई नहीं बच सकता था। बारिश होती रही, बिजली कड़कती रही, तेज़ हवाएं चलती रही, ज़मीन से पानी निकलता रहा। इस तूफान से पूरी दुनिया पानी में डूब गई, सारे इंसान मर गए। जो लोग अल्लाह के नबी की कश्ती में थे, बस वो बच गए। पानी की बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी लहरों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैरती रही। इस तरह कई महीने गुज़र गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश बंद हो गई, तूफ़ान थम गया। अल्लाह ताला ने ज़मीन को सारा पानी निकलने का हुक्म दिया। पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा और पहाड़ों की चोटियां नज़र आने लगी। मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर रुक गई। जूदी पहाड़ मुल्क शाम में है। अल्लाह के नबी आम इंसान नहीं होते। अल्लाह के नबी परिंदों जानवरों समेत अल्लाह की तमाम मखलूक से बातचीत कर सकते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया कि वो ज़मीन की खबर ले आए। कौवा गया तो इसे एक मुर्दार नज़र आया। कौवा इसे खाने में ऐसा लगा कि फिर वापस ना आया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कबूतर से फरमाया कि वो जाए। कबूतर गया और जैतून के पत्ते अपनी चोंच में ले आया। कबूतर के पाँव पर मिट्टी लगी हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि ज़मीन खुश्क होने लगी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुश हुए और कबूतर को दुआ दी। आहिस्ता आहिस्ता पूरी ज़मीन खुश्क हो गई। कश्ती से उतरकर सब मुसलमानों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जिसने अपने नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से मुसलमानों को तूफ़ान से बचाया और ज़ालिम काफरों से ज़मीन को पाक कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम, याफ्स। अल्लाह ताला ने आपके बेटों की औलाद में बहुत बरकत दी। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया दोबारा आबाद हो गई। प्यारे बच्चों, जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला इनके लिए निजात का रास्ता निकालता है। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को अल्लाह ताला ने बचा लिया। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला और इसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला की नाराज़गी और इसके अज़ाब से डरना चाहिए। जो लोग नेक होते हैं वो अल्लाह ताला के अज़ाब से डरते रहते हैं।